यहाँ की लाइफ कितनी टफ है, कितनी हार्डर है। मार्च में तकरीबन मार्च में जाता है सर। तो यहाँ पे धूप बहुत कड़क होती है, बट द थिंग इज गर्मी नहीं होती है। हे वेलकम बैक गाइज, दिस इज आबिद वानी। टुडे वी आर गोइंग अंगाईकोट। एज यू गाइज नो कि मैं लास्ट टाइम गुरेज आया था विथ माई फ्रेंड्स, सो आज मैं आया हूँ विथ माई फैमिली। सो टुडे वी आर गोइंग अंगाईकोट। विद दिस वीडियो चेक आउट द लैंडस्केप। सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं गुरेज फिर से। लास्ट टाइम मैं आया था मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो आज मैं फिर से आया हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ना ये प्लेस बहुत मिस की थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब गुरेज आया था तो अंगाईकोट में कभी नहीं गया। सुनने में ऐसा आया है कि अंगाईकोट बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अभी हम अंगाईकोट पहुंचने वाले हैं। तो ये है रास्ता, जब भी आप आओगे यहाँ पे ड्यूरिंग चकवाली वे आउट आपको राइट निकलना है यहाँ से। यहाँ जी पहुँच गए हम अंगाईकोट, जो कि मैंने आपको बोला था। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब हम गुरेज आए थे तो हमने वो कुछ एरियाज एक्सप्लोर किए थे और राजधान टॉप का मैंने आपको कुछ शॉट्स दिखाए थे। सो अभी हमें अंगाईकोट में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, आप देख सकते हो बैक साइड में जो भी हाउसेस बने हैं सभी वुडन है। इसलिए बोलाते हैं सर कि हम विंटर का मकान जो लिपाई का होता है मिट्टी का, यहाँ लकड़ी का मकान होता है। सीमेंट का मकान अगर यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ कम से कम 8-10 फुट बर्फ पड़ता है। लिपाई का मकान एक लकड़ी का मकान होता है, इसे लिपाई करते हैं तभी गर्म रहता है। अगर सीमेंट का मकान होगा उसमें ठंड ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो ठंड ज़्यादा होती है सर, कम से कम माइनस में, तकरीबन माइनस में जाता है सर। हाँ ज़्यादा होती है यहाँ ठंड, 8-10 फुट बर्फ पड़ती है। इसलिए लकड़ी का मकान होता है, इसको अंदर से पूरा लिपाई करना पड़ता है तभी गर्मी होती है। सीमेंट का मकान में यहाँ ज़्यादा ठंड रहता है ये इलाका। हाँ यहाँ बहुत ठंड होती है सर, ठंड ज़्यादा है। सो आपने देखा जो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जो कि वुडन हाउसेज ये बनाते हैं, तो इसमें मिट्टी के जो भी मिट्टी मिक्स करते हैं फिर उसके बाद इसमें लगाते हैं ताकि इनको सर्दियों में हेल्प मिल जाए और ज़्यादा ठंड ना लगे। कहने का ये मतलब है और भी ज़िंदगी है, और भी दुनिया है जो कि हमको नहीं पता होती है। इतनी इनोसेंस आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चा है, इतनी इनोसेंस आप कहीं पर नहीं देख पाओगे। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, शोर से बाहर आ जाओ, ट्रैफिक से बाहर आ जाओ और ऐसी जगहों पर आ जाओ और फील करो कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, कितना अच्छा व्यू है, कितना सुकून है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर इन जगहों पे जाता हूँ, तो अभी मैं हूँ अंगाईकोट में, जो कि गुरेज में है। लास्ट टाइम मैं जब गुरेज आया था तो मैंने आपको राजधान टॉप के बारे में बताया था, वहाँ के लैंडस्केप्स के बारे में बताया है। तो मैं अभी बैठा हूँ एक साइड पर जो कि हाउसेज बने हैं, यहाँ पर बैठा हूँ और यू कैन सी हियर। इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ की लाइफ कितनी टफ है, कितनी हार्डर है। यहाँ पे 6-7 फीट बर्फ पड़ती है और ये रूम घरों से नहीं निकल पाते हैं। और इनको एटलीस्ट 3-4 महीने एक ही जगह रहना पड़ता है, एक ही रूम में बैठना पड़ता है। फिर भी एक चीज़ है ऊपर वाला की देन है इनको, कि यहाँ पे ना ये लकड़ी बहुत है तो ये जला सकते हैं, इनके विंटर्स में इनको काम आती है एंड ये सर्वाइव करते हैं। इस साइड में ना एक और गांव है, अंगाईकोट का ही एक पार्ट है, तो अभी हम जा रहे हैं उस साइड। थोड़ा हम पानी देखेंगे कितना ठंडा है। और यहाँ पे आप जो भी मतलब जानवर देखो, इंसान देखो, सबकी हेल्थ ना बेस्ट है। ये यहाँ का पानी बहता है यहाँ से, दिस इज़ किशन गंगा रिवर, जो कि फिर पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से जानी जाती है, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में बताया है। टॉकिंग अबाउट वेदर, तो यहाँ पे धूप बहुत कड़क होती है, बट द थिंग इज़ गर्मी नहीं होती है। ये अभी पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप अगर नहाओगे तो आपको मेडिटेशन भी होगी, उसके साथ मज़ा भी आएगा। मेरे से सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं आज तक अंगाईकोट क्यों नहीं आया। ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, जब आप यहाँ पर आओगे आप सब कुछ भूल जाओगे। इतने अच्छे लैंडस्केप्स है, इतनी अच्छी फोटोग्राफी होगी यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। यहाँ पे आप रह भी सकते हो, यहाँ पे कुछ होम स्टेज इन्होंने रखे हैं,
इफ यू विल कम हियर यू कैन स्टे हियर एज वेल। आई नो कि ये शॉर्ट वीडियो था, फिर भी आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।